पीएम मोदी आज काशी में काशी तमिल संगम के दौरान तमिल समुदाय से आने वाले लोगों को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में देर रात रामेश्वरम से वाराणसी पहुंची रेलगाड़ी में सवार यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। तमिल काशी संगम यात्रा के सवारी जब प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंचे तो ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत किया गया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी तमिल काशी संगम में हिस्सा लेने वाले यात्रियों के स्वागत के लिए मौजूद रहे। हर हर महादेव के उद्घोष के बीच यहां यात्रियों का स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित आम नागरिकों ने इस सांस्कृतिक यात्रा के यात्रियों को माला पहनाकर भारत माता की जय के नारे लगवाए। ये 200 लड़के तमिलनाडु से और लगभग 60-70-80 लड़कियां भी हैं, परिपक्व महिलाएं भी हैं, जो हमारे इस यूपी में काशी और अयोध्या के दर्शन के लिए आए हैं। इसीलिए इनका वेलकम किया गया, इनका स्वागत किया गया और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए ये यहाँ उत्तर प्रदेश में आए हैं। इनका हम सब लोग स्वागत कर रहे हैं इन पर मन से, और बहुत खुश थे, इतने खुश थे वो लोग कि आना चाहिए और हमें अपनी रोटी बेटी के रिश्ते भी करना चाहिए। हम लोगों ने बात भी किया आपस में, काफ़ी अच्छा लगा। उन लोगों को भी बहुत खुशी मिली, उन्हें इतना अंदाज नहीं था कि इतना स्वागत हमारा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में होगा। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पहुंची रेलगाड़ी में महिलाएं, पुरुष और लगभग 221 विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के युवा मौजूद थे, जिनका यहां भव्य स्वागत किया गया। कुछ देर के लिए प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर तमिल और हिंदी में भारत माता की जय के उद्घोष सुनाई दे रहे थे। हम लोग पूरा 200 समथिंग विद्यार्थी लोग हम लोग इधर आए हैं, और हम लोग पहले मोदी जी और केंद्रीय सरकार को हम लोग शुक्रिया कहना चाहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा एक कार्यक्रम उतना आसान नहीं, क्योंकि 200-300 स्टूडेंट्स को तमिलनाडु से 1000 किलोमीटर दूर लेके आके उनको खाना और एक हफ्ते का अकोमोडेशन सब कुछ प्रोवाइड करके उनके ऐसा एक सांस्कृतिक बंद एक कनेक्शन करने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, तो इतना आसान काम नहीं है। तो पहले उनको शुक्रिया कहना चाहते हैं और इतना सभी स्टेशन में हमको स्वागत करते हैं कई लोग, और वो भी बहुत उत्साह देता है हमें, तो सबको शुक्रिया। यात्री अपने अनुभव बताते हुए कहते हैं कि मोदी जी और केंद्र सरकार को वो धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी सांस्कृतिक एकता कैसे है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है। ये बात हम वापस जाकर लोगों को जरूर समझाएंगे।